हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे, अपने घर पे होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप घर पे ही क्लीन अप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ईद बस आने ही वाली है और आप पार्लर में नहीं जा सकते हो, लॉकडाउन लग गया है। और वैसे भी दिल भी नहीं करता है जाने का, क्योंकि ये कोरोना इतना ज़्यादा फैल गया है, सच में बाहर जाने का भी दिल नहीं करता है। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आप घर पे ही क्लीन अप कैसे कर सकते हैं, अपने स्किन को ग्लोई कैसे बना सकते हो। जो जो इंग्रेडिएंट मैं इसमें यूज़ करूंगी वो आपको अपनी किचन से ही मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप में हमें चाहिए होगा दही। यहाँ पे है ये दही, घर का बना हुआ गाढ़ा दही, और दही तो वैसे सबके घर में इजीली मिल जाएगा। तो हम एक या डेढ़ चम्मच दही ले लेंगे और उससे अपने फेस को क्लीन करेंगे। इस तरह से लगाएंगे और लगा के 2 या 3 मिनट तक अच्छे से मसाज करेंगे इस तरह से। इससे क्या होगा कि हमारे फेस से जो भी डर्ट पोल्यूशन है वो रिमूव हो जाएगा और आपका फेस है जो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। दही हमारी स्किन के लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ये आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाएगा और आपके फेस पे जो भी पिंपल्स के निशान हैं उनको भी दूर कर देगा। और अगर आपके फेस पे पिगमेंटेशन की भी प्रॉब्लम है उसको भी ये धीरे धीरे करके ठीक कर देगा, अगर आप दही का यूज़ करते हो तो। फेस पे अच्छे से मसाज करने के बाद इसको हम रिमूव कर लेंगे कॉटन की हेल्प से, और आप देख सकते हैं कि आपके फेस पे से जो भी डर्ट पोल्यूशन है वो अच्छे से रिमूव हो जाएगी, आपके कॉटन पे ही आपको नज़र आएगा। और नेक्स्ट स्टेप में हम बनाएंगे स्क्रब, और हमें स्क्रब के लिए चाहिएगा राइस फ्लोर, चावल का आटा जो थोड़ा सा दरदरा होता होना चाहिए क्योंकि हमें स्क्रब बनाना है। देख सकते हैं, हम 1 चम्मच चावल का आटा लेंगे और उसमें हम 1 चम्मच या 1.5 चम्मच दही मिलाएंगे और अपने फेस को स्क्रब करेंगे। स्क्रब हमें बिल्कुल ही हल्के हाथों से करना चाहिए, बिल्कुल ये नहीं हो कि बिल्कुल ही गड़ा गड़ा के करो। हमारी स्किन को हमें क्लीन करना है, ये नहीं है कि उसमें हमें चोट पहुँचानी है, तो इसलिए बिल्कुल ही हल्के हाथों से हमें स्क्रब करना है। इसको मैं 2 मिनट तक करूँगी और हमें ज़्यादा मिनट तक स्क्रब नहीं करना चाहिए है। और स्क्रब को हमें वीक में 1 या 2 बार ज़रूर करना चाहिए है। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप स्क्रब को वीक में 1 बार ज़रूर करें। स्क्रब करने से है जो आपके जो पिंपल्स के निशान हैं वो भी दूर हो जाएंगे, पिगमेंटेशन है वो भी दूर हो जाएगी, क्योंकि ये हमारी स्किन को क्लीन बनाता है। हमें स्क्रब 2 या 3 मिनट तक करनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं करनी चाहिए है, नहीं तो आपकी स्किन पे बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको लार्ज पोर्स की भी प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाएगी अगर आप ज़्यादा स्क्रब करते हैं तो। इसको हम हमारे फेस पे 2 मिनट तक रखेंगे और उसके बाद अपने फेस को वॉश कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप के लिए हम बनाएंगे फेस पैक। जो हमारे पास दही है उसमें ही हम 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी मिलाएंगे और 1/2 चम्मच लेंगे हम ऑरेंज पील पाउडर और हल्दी भी डालेंगे, बिल्कुल ही थोड़ी सी हल्दी डालनी है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इस पैक को हम हमारे फेस पे लगा लेंगे। आप ब्रश की हेल्प से या फिंगर की हेल्प से अपने फेस पे इस पैक को लगा लें। अगर आपको मुल्तानी मिट्टी सूट नहीं करती हो तो आप इसकी जगह पे बेसन का यूज़ कर सकते हो। इस पैक को हम हमारे पूरे फेस पे और नेक पे लगा लेंगे साथ में ही, और इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे हम 10 या 15 मिनट तक। 15 या 10 मिनट में अच्छे से सूख जाएगा। और थोड़ा सा बच गया था तो सोचा हाथ पे भी लगा लें और हाथ को भी हम ग्लोई ग्लोई बना लें। ये मेरा फेस पैक सूख गया है, इसको मैं एक गीले हैंकी की हेल्प से उतार रही हूँ। आप चाहते हो तो सीधा ही वॉश कर सकते हो। इसको आप वीक में 1 या 2 बार ट्राई करें अगर आप अच्छे रिजल्ट चाहते हैं तो। मैं ये नहीं कह रही कि एकदम से ही आप इतने गोरे हो जाओगे, ये धीरे धीरे आपकी जो पिंपल्स की प्रॉब्लम है, निशान है, वो धीरे धीरे करके दूर होने स्टार्ट हो जाएंगे और आपको खुद ही फ़र्क दिखना स्टार्ट हो जाएगा अपने फेस में। देख सकते हैं,
ये आपके फेस को अच्छे से क्लीन कर देगा और आपके फेस को बिल्कुल ही सॉफ्ट और ग्लोई बना देगा। देख सकते हैं आप फाइनल रिजल्ट। तो कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको आज का ये क्लीन अप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइज़।